फैसल का असली नाम था विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी का जन्म आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ। 2 दिसंबर 1960 को हुआ था सिल्क का जन्म। घर परिवार की पहले से ही आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तब सिल्क का जन्म हुआ। तब यह बात किसी को नहीं पता थी कि सिल्क एक हीरोइन बनेगी, फिल्मों में नाम कमाएंगी। घर की आर्थिक तंगी का आलम यह था कि कक्षा 4 से ही शिक्षा से दूर कर दिया गया सिल्क को। उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी चूल्हा चौका सौंप दिया गया। सिल्क अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। लड़कों का आकर्षण उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। यह देखकर सिल्क की माता ने उनकी शादी करना जरूरी समझा और एक बैलगाड़ी वाले से उनकी शादी करवा दी गई। लेकिन ससुराल में भी वह कभी खुश ना रह सकी और ससुराल वालों की वह नई नई शर्तें और इच्छाओं को पूरा करते करते थक चुकी थी सिल्क। तंग आकर उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। सिल्क अपना ससुराल और पति को छोड़कर और यहाँ वो चेन्नई आ गई। चेन्नई में उन्होंने एक एक्टर के घर में नौकरानी का काम करने लगी। धीरे धीरे सिल्क उस एक्ट्रेस की मेकअप गर्ल बन गई। एक दिन उस एक्ट्रेस के घर जाने माने निर्माता का आना हुआ। सिल्क को उनकी बड़ी सी गाड़ी देखकर बड़ी खुशी हुई। यह नज़ारा देखकर सिल्क की मालकिन ने बोला, इतनी बड़ी गाड़ी देखकर इसमें बैठने और घूमने के सपने देख रही हो। यह बात सिल्क के दिल पर लग गई और वह इससे काफ़ी खफा हुई। और फिर सिल्क ने पलटकर कहा, एक दिन मैं इस गाड़ी में ज़रूर बैठूंगी और वो गाड़ी सिर्फ मेरी होगी। सिल्क ने उस वक्त फैसला किया कि वो एक दिन दुनिया को अपनी काबिलियत से हैरान कर देंगी। सांवला रंग और नशीली आंखों की वजह से उन्हें फिल्मों में छोटे रोल मिलने लगे। धीरे धीरे सिल्क निर्माता और निर्देशकों की पहली पसंद बन चुकी थी। फिल्म में सिल्क का एक गाना होना तो जैसे दक्षिण फिल्मों में रिवाज बन चुका था। और अगर कोई फिल्म ना चल पा रही हो तो सिल्क का एक गाना लगवा दिया जाता था ताकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा जाए। बी ग्रेड फिल्मों की पहचान बन चुकी थी। बड़ी बड़ी नशीली आंखें और उनकी खूबसूरती काफ़ी लोगों को पसंद आ रही थी और ये सब देखने के लिए लोग थिएटर तक आने लगे थे। साल 1989 में आई फिल्म इनाई थेरी में उन्हें एक बड़ा रोल मिला। सिल्क खुद को एक्सपोज करने में कभी कतराई नहीं, कभी छिचकी नहीं। सिल्क खुद को साबित करने के लिए कभी किसी से डरी नहीं। इसके बाद सिल्क की दूसरी पिक्चर आई जिसका नाम था वन डे चक्रम। इस फिल्म में उन्होंने एक शराब बेचने वाली लड़की की भूमिका निभाई। इसमें उनके लटके झटके और उनकी अदाएँ उनकी मस्ती देखकर लोग हैरान हो गए थे, जो कि एक तमिल पिक्चर थी। सिल्क का रंग रूप देखकर दर्शक पागल होने लगे थे। सिल्क उस वक्त में एक गाने के 50,000 लिया करती थी, जो कि एक काफ़ी भारी भरकम रकम हुआ करती थी। सिल्क का नशा ऐसा था कि केवल 4 साल में वो 200 फिल्मों में काम कर चुकी थी। उन्होंने कई जाने माने मशहूर एक्टर कमल हसन और रजनीकांत के साथ भी काफ़ी बोल्ड सीन किए थे। स्टार्डम के चलते सिल्क ने एक डॉक्टर से शादी कर ली, लेकिन उन्हें अपने पति से भी धोखा मिला, जिसके चलते उन्होंने शराब को ही अपनी दुनिया बना ली और सबसे दूर हो गई। 23 दिसंबर 1996 में महज 36 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली।